एग्जामिनर कॉपी चेक करते समय किन किन बातों का ध्यान रखते हैं और एग्जामिनर किन किन बच्चों को टॉपर बनाते हैं, इस बात को आप ध्यान से समझिएगा। देखिए एग्जामिनर जब भी कॉपी चेक करता है ना, तो कॉपी में वो पांच चीजें देखता है। जिन बच्चों को कॉपी में ये पांच चीजें देखने को मिलती है ना, वो समझो उस बच्चे को टॉपर बनाने का काम एग्जामिनर कर देता है। यानी देखो टॉपर बनाना एग्जामिनर के हाथ में होता है जो कॉपी चेक करता है, समझिए। देखो एग्जामिनर सबसे पहले जब कॉपी चेक करता है तो वो देखता है कि बच्चा जो है ना अपना रोल नंबर, रोल कोड, सेंटर कोड ये सब सही से भरा है कि नहीं, मतलब अपना एड्रेस वहां पर जो फिलअप करना था, जो भरना था, वो सही से भरा है कि नहीं, पहला ये एग्जामिनर देखता है। और दूसरा का देखता है कि जो लड़का है ना उसका राइटिंग कैसा है भैया, राइटिंग सुंदर है कि नहीं, सुंदरता के साथ लिखा है कि नहीं, तो राइटिंग बहुत बड़ा मायने रखता है, तो अपना राइटिंग भी सुधार लीजिएगा, ठीक है ना। तो राइटिंग भी देखता है एग्जामिनर को उसका राइटिंग अच्छा है कि नहीं। तीसरा सटीक जवाब, एग्जामिनर देखता है कि बच्चा ने कैसे प्रश्न का जवाब दिया जी, मतलब देखता है कि एग्जामिनर जैसे कोई बच्चे क्या करता है कि मान लो कि क्वेश्चन किया प्रकाश के प्रवर्तन के नियम को लिखिए, अब कई लड़का क्या करता है उसी को लमड़ा के एक पेज भर देता है। अरे भैया आपसे बोला 30 या 40 शब्द में लिखने के लिए, तो 30 से 40 वर्ड में तो लिखिए ना, 30 से 40 वर्ड में लिखिए, 30 से 40 शब्द में लिखिए। तो कहने का मतलब एग्जामिनर देखता है कि सटीक जवाब बच्चा दिया है कि नहीं है, अगर सटीक जवाब दिया तो पूरा नंबर मिलेगा। लेकिन याद रखिएगा चौथी जो चीज़ है लैंग्वेज, एग्जामिनर ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ देखता है। आप पूरी तरह से सुंदर राइटिंग के साथ भर के भी चले आए हैं तो भी आप टॉपर नहीं बन पाएंगे अगर ये लैंग्वेज आपको नहीं देगी। लैंग्वेज का मतलब क्या हो गया, भाषा। जैसे देखिए एग्जामिनर देखता है कि जो लड़का जवाब दिया वो किताबी भाषा का जवाब दिया है या अपना दिया है। आप जब भी जाएंगे फॉर्म देखेंगे ना कि वो जो क्वेश्चन पेपर होता है लिखा रहता है कि जो बच्चे होते हैं ना वो अपने ही मतलब लिखा रहता है कि अपने तरीके के द्वारा क्या करे मतलब लिखने का काम करे। कहने का मतलब क्या है ना, सिंपली मैं आपको समझाना चाहूं तो अपने शब्दों में जवाब देने के लिए लिखा रहता है। हम लोग क्या करते हैं गाइड उड कभी कल मिल जाता है किताबी भाषा एकदम छाप देते हैं। देखो यहां भी नंबर बहुत ज्यादा कट जाती है। एग्जामिनर देखता है कि बच्चा अपने से लिखा है या किताबी भाषा लिखा है, तो किताबी भाषा लिखे रहने से एग्जामिनर को शक हो जाता है, या तो ये गाइड से छापा होगा या नहीं तो किताब को रट्टा मारा होगा, तो वहां नंबर कट जाती है। तो भैया जब भी प्रश्न का जवाब दे तो अपने लैंग्वेज में कोशिश करें जवाब देने के लिए, अन्यथा आपकी नंबर वहां से कटेगी, ठीक है ना। आप पांचवी चीज देखता है कि लड़का जो बच्चा जो है ना वो काट कूट किया है कि नहीं, गलत एकदम भाड़ भूर किया है कि नहीं। कोई लड़का क्या करता है, लिख लिया प्रकाश के पर्दन डिफ्यूजर लिख लिया, गलती हो गया तो एकदम साफ भाड़ भूर देता है। अरे भैया ये गलती नहीं करना है, नहीं करना है, गलती इसलिए नहीं करना है ना। अच्छा मान लो बाई चांस गलत भी, मान लो कि मैंने प्रकाश के पर्दन डिफ्यूजर लिखा, गलती हो गई, तो वहां पर हम काट कूट नहीं करेंगे, डायरेक्ट ऐसे क्रॉस का चिन्ह लगाएंगे और लिख देंगे नीचे गलत। अब लड़का नियर भोंक भाग करने का तरीका भूल जाइए। तो ये पांच जो चीज है ना एग्जामिनर बच्चे में देखता है, पांच चीजें, जो बच्चा वो अपना रोल नंबर, रोल कोड, एड्रेस जो है ना सही से फिलअप किया कि नहीं, राइटिंग सटीक जवाब, लैंग्वेज सबसे बड़ी चीज होती है। देखिए आपके पास राइटिंग भी है, एड्रेस भी सही से भरे हैं और साथ में आप काट कूट भी नहीं किए, अगर लैंग्वेज आपका किताबी है ना तो यहां नंबर कट जाती है। तो एग्जामिनर ये चार पांच चीजें देखकर बच्चों को नंबर देता है और उन्हीं बच्चों को टॉपर बनाता है। तो भैया आप भी जब प्रश्नों का जवाब देना तो किताबी नहीं देना है, अपने शब्दों में कोशिश करना है कि ज्यादा से ज्यादा मात्रा में अपने शब्दों में उत्तर दे सके और एग्जामिनर को समझा सके, लेकिन सटीक जवाब के साथ, ठीक है ना। तो ये बातें आपको समझ में आ गई हो तो इस वीडियो को हर जगह शेयर करिए क्योंकि आपके लिए काफी मेहनत करी जा रही। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही।